बागेश्वर जिला मुख्यालय के नजदीक जोशी गांव में एक मकान से एक विवाहिता और उसकी तीन बच्चों के सड़े गले शव बरामद हुए हैं। मृतकों में एक 5 से 6 महीने का बच्चा भी है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इधर घर के दरवाजे अंदर से बंद होने पर पुलिस या तो हत्या या फिर खुदकुशी मान रही है। दरअसल आपको बता दें, जिला मुख्यालय से 4.5 किमी दूर जोशी गांव में एक मकान से बदबू आने और दरवाजा बंद होने की सूचना मिली। एसपी हिमांशु कुमार वर्मा, एसडीएम आदि पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस की पड़ताल में पता चला कि मकान में कपकोट के भनार गांव के मूल निवासी भोपाल राम का परिवार रहता था। घर के भीतर भोपाल राम की पत्नी नीमा देवी, जो कि 40 साल की थी, उनकी पुत्री अंजलि 14 साल, पुत्र कृष्णा 8 साल और एक और छोटा बच्चा भास्कर 5 से 6 महीने का है, जिनके शव मिले हैं। और पुलिस ने चारों शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल मोर्चरी भिजवा दिया। सीओ अंकित कंडारी के अनुसार शव पर कहीं किसी तरह के चोट के निशान नहीं है। शव कई दिन पुराने होने की आशंका जताई जा रही है। भोपाल राम कई महीने से लापता बताया गया है। वही जोशी गांव निवासी गोविंद सिंह बिस्ट का मकान गांव के अन्य मकानों से हटकर था। 2 साल पहले ये मकान भूस्खलन की चपेट में भी आया था। गोविंद सिंह के परिवार ने मकान छोड़ दिया था। करीब 2 साल से इस मकान में भोपाल राम का परिवार रहता था। गांव के अन्य मकानों से करीब 100 मीटर की दूरी पर होने से इस मकान की ओर गाँव की लोगों की आवाजाही कम थी। वहीं गांव के कुछ लोग इस मकान के पास से गुजरे तो उन्हें बदबू महसूस हुई। इसकी चर्चा गांव में हुई तो ग्रामीण पहुंचे। घर के दोनों दरवाजे भीतर से बंद था और कमरों से बदबू आ रही थी। इसके बाद लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। जब पुलिस पहुंची तो घर से 3 बच्चों समेत 4 शव बरामद हुए। स्थानीय लोगों के अनुसार भोपाल राम लकड़ी के बर्तनों के साथ ही ढोल दवाओं बनाने का काम करता था। उसकी बड़ी लड़की की शादी हो गई थी। वो काफी समय से घर से लापता था। पुलिस के अनुसार भोपाल राम के खिलाफ बागेश्वर कोतवाली में धोखाधड़ी का केस दर्ज था। गिरफ्तारी के डर से वो घर से फरार रहता था और ये भी मालूम हुआ कि पुलिस से बचकर कभी कभी घर में उसका आना जाना होता था। पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी। पुलिस के अनुसार भोपाल राम धोखेबाज किस्म का व्यक्ति है। उसके ऊपर कई लोगों को ठगी करने का आरोप है। उसकी वजह से वो लोगों और पुलिस से छिपता फिरता था और वर्तमान में भी वो फरार है। अब फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।